हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7.5। उसे स्टार्ट करने से पहले आपने 7.4 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, राइट दिस फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब जो आपको फ्रैक्शंस गिवन है उनको किसमें करना है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए फर्स्ट आपको गिवन है फिगर। आप देखिए फिगर से कैसे करते हैं। आप देखिए आपको क्या गिवन है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 है कहां लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर में। आप देखिए फील्ड कितने हैं इसमें, 1। क्लियर है। अब इसका फ्रैक्शन लिखते हैं हम। आप देखिए इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। फील्ड कितने हैं, 2। क्लियर है। इक्वल में क्या गिवन है आपको, टोटल है 5, 1 2 3 4 5। इसमें फील्ड कितने हैं, सेडेड कितने हैं, 3। आप देखिए इसमें आंसर आपको गिवन है 3/5। आप देखिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूं, 1/5 + 2/5, तो क्या हो जाएगा आपका, 3/5 मिल जाएगा। मतलब इसमें क्या बताएगा आपको, दो फ्रैक्शन को ऐड करना है, 1/5 + 2/5, तो आपको क्या मिलेगा, 2 + 1 = 3/5। अब देखिए एडिशन सिंपल क्यों हो गया, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देंगे। अब देखिए सेकंड वाला बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखिए जो फर्स्ट है इसमें देखिए कितने पार्ट्स हैं, टोटल 1 2 3 4 5, और पांचों के पांचों क्या हैं, फील्ड हैं, तो क्या हो जाएगा, 5/5। अब देखिए इसमें क्या फ्रैक्शन गिवन है हमको, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 हैं, कितने फील्ड हैं, 3। आप देखिए इक्वल में क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 और 2 क्या है, सेडेड है। आप देखिए हमको क्या मिलना चाहिए, 2/5, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 5 - 3 क्या होगा, 2, तो इसमें क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, 5/5 - 3/5। आंसर क्या मिलेगा हमको, 5 - 3 = 2/5। क्लियर है। और किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें 5/5 है तो मैं इसे 1 लिख सकता हूं, 1 - 3/5। अब इस केस में हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, हमेशा किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 1 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर 5 का इनटू करूंगा दोनों तरफ, यहां किसका करूंगा, 1 का, तो क्या हो जाएगा, 5 1 = 5 - 3 1 = 3 5 1 = 5, क्या हो जाएगा, 5 - 3 = 2/5। क्लियर है। एक इस तरीके से और कर सकते हैं। नाउ आप देखिए सी पार्ट है हमारे पास, इसमें देखिए कितने फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कितने सेडेड है इसमें, टोटल कितने हैं, 6, सेडेड कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 6, सेडेड कितने हैं, 3। आप देखिए आंसर में क्या गिवन है हमको, 6 5/6, क्या होगा, हम एडिशन कर देंगे, 2 + 3 = 5। क्लियर है, 2/6 + 3/6, क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5/6। क्लियर है। इस तरीके से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है आपका,
सॉल्व, सॉल्व में क्या करना है हमको, क्या गिवन है, 1/18 + 1/18। अब क्या एडिशन है, अब चलिए हम फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम एडिशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, 18 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 2/18, ये आपका आंसर है। बट मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 या 2 2 9 या 18 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिला मुझे, 1/9। अब आंसर में आप 2/18 भी लिख सकते हो, 1/9, दोनों आंसर आपके सही हैं। क्लियर है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये नॉर्मल आपने एडिशन किया। अब देखिए बी पार्ट है आपका, 8/15 + 3/15। अब इनका सिंपली एडिशन करना है आपको। अब देखिए इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, सिंपली हम ऐड कर देंगे इनको। 15 आपका ये रहा 8 + 3, 8 + 3 क्या हो जाएगा आपका, 11/15। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्या ये, 11 1 जा 11, 15 3 5 जा 15, नहीं होगा। क्लियर है, इसका आंसर यही होगा। नाउ नेक्स्ट है सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, सब्ट्रैक्शन, 7/7 - 5/7। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 5/7 क्या हो जाएगा, 7 - 5 2/7, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में है। क्लियर है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है डी पार्ट, अब देखिए डी पार्ट में गिवन है 1/22 + 21/22, डिनोमिनेटर सेम है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 22 1 + 21, सिंपल न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 22/22। क्लियर है, अब देखिए मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, 21 22 1 जा 22 22 1 जा 22 1/1, और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1। क्लियर है, ये आपका आंसर है। नाउ ई पार्ट, 12/15 - 7/15, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, 15। नाउ 12 - 7 करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 5/15, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या मिला मुझे, 1/3, ये आपका आंसर है। नाउ एफ पार्ट है, क्या है हमारे पास, 5/8 + 3/8, डिनोमिनेटर सेम है, चलिए 5 + 3 क्या हो जाएगा, 5 + 3 8/8, 8 1 जा 8 8 1 जा 8, 1/1, और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1। क्लियर है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है जी पार्ट, अब देखिए जी पार्ट है हमारे पास 1 - 2/3, अब देखिए हमको गिवन है और इसमें क्या बता रहे हैं, 1 = 3/3, कैसे है चलिए देखते हैं। अब देखिए हमको 1 को 3/3 करना है, कैसे होगा, हम क्या करेंगे, 1/1 होता है, किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में 1 होता है न्यूमरेटर के, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का इंटू कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 3 का इंटू करेंगे, एक नंबर क्या है हमारे पास, 2/3, क्या हो जाएगा, 3/3 - 2/3। आप देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों नंबर्स के, दोनों फ्रैक्शन के, आप देखिए हम सिंपल इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
थ्री माइनस टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री। क्लियर है? इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नाउ एच पार्ट, एच पार्ट क्या है हमारे पास, वन अपॉन फोर प्लस जीरो अपॉन फोर। डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल हम इसको ऐड करेंगे, वन प्लस जीरो। किसी भी नंबर में मैं जीरो ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सेम नंबर वन में जीरो ऐड करूंगा क्या मिलेगा, वन, फोर का फोर। ये आपका आंसर है। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं इस क्वेश्चन को, वन अपॉन फोर प्लस जीरो, ये भी क्या होगा, किसी भी नंबर में किसी फ्रैक्शन में मैं जीरो ऐड करूंगा, आंसर क्या मिलेगा मुझे, वन अपॉन फोर। क्लियर है? नाउ आई पार्ट, आई पार्ट में क्या है हमारे पास, थ्री माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव। आप देखिए इसमें हम सॉल्व करेंगे, थ्री, थ्री के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, न्यूमरेटर के अपॉन में वन होता है, थ्री अपॉन वन माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, इस फाइव का इंटू डिनोमिनेटर में करेंगे, बट जो हम डिनोमिनेटर में करते हैं उसका न्यूमरेटर में भी इंटू करना होता है। इधर ये वन है, इसका हम इंटू इस साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फाइव वन जा फाइव, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, फाइव वन जा फाइव। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब सिंपल हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व क्या होगा, थ्री बाई फाइव, ये आपका आंसर है। क्लियर है? इस तरीके से हम फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शुभम पेंटेड टू बाय थ्री ऑफ दी वॉल स्पेस इन हिज रूम। अब क्या शुभम ने अपने वॉल स्पेस, जो अपने रूम में वॉल थी उसका टू बाय थ्री पार्ट पेंट किया। हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड वन बाय थ्री ऑफ दी वॉल स्पेस। अब उसकी जो सिस्टर थी उसने वन बाय थ्री पार्ट पेंट किया। हाउ मच डिड दे पेंट टूगेदर, अब कितना दोनों ने मिलकर पेंट किया ये हमको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, वॉल स्पेस पेंटेड बाय शुभम इन हिज रूम, कितना किया था, टू बाय थ्री पार्ट। नाउ और क्या गिवन है, वॉल स्पेस पेंटेड बाय माधवी इन हिज रूम, कितना किया था, वन बाय थ्री पार्ट। नाउ बोथ बोथ पेंटेड पेंटेड वॉल स्पेस टुगेदर, दोनों साथ में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, टू बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री। चलिए अब एडिशन करते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, सिंपल एडिशन, टू प्लस वन क्या होगा, थ्री अपॉन थ्री, और क्या हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, वन अपॉन वन और वन। क्लियर है? नाउ आंसर क्या हो जाएगा, हेंस शुभम एंड माधवी पेंटेड टुगेदर
वन बॉल, वन बॉल स्पेस। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। आप देखिए मिसिंग फ्रैक्शंस को हमको फिल करना है। ए पार्ट है 7/10 माइनस डैश इक्वल टू 3/10। ये बॉक्स है, इसको हम डैश मान रहे हैं। क्लियर है? नाउ आप देखिए अब हम क्या फिल करें, हमको आंसर क्या मिल जाए, 3/10। अब इस केस में आप देखिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल वर्ड समझाता हूं। फोर में हम क्या माइनस करें तो हमको क्या मिले, 2 मिले। ठीक है, क्लियर है? आप देखिए हम यहां इस केस में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं तो क्या होता है, एक्स इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 2 आएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? 4 माइनस 2 2, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2। नाउ सेम इस तरीके से हम इसमें करेंगे, जो ब्लैंक है बॉक्स है उसकी जगह पर हम क्या मान लेते हैं, एक्स। चलिए सपोज करते हैं, सॉल्व 7/10 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10। अब देखिए 7/10 सेम एज इट इज, अब ये एक्स है इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3/10 क्या है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? नाउ देखिए, अब देखिए क्या है, सेम नंबर है 10, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका, 7 माइनस 3 4 अपॉन 10 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4/10। क्लियर है? तो यही आपका क्या है, आंसर है। मतलब बॉक्स में क्या आएगा आपका, 7/4/10। क्लियर है? नाउ बी पार्ट, आप देखिए बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। लेट बॉक्स इक्वल क्या मानूंगा मैं, एक्स। आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस 3y 21 इक्वल टू 5/21। आप देखिए एक्स से रहेगा ये 5/21, 3y 21 इस तरफ जाएगा क्या, इक्वल के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3/21। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 21, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8/21। तो आपका आंसर क्या होगा, x इक्वल 8/21, प्लस में है तो आप लिख देंगे 8/21, आंसर मिल जाएगा आपको 5/3। क्लियर है? इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट है डैश माइनस 3/2 3/6 इक्वल टू 3/6। अब देखिए इस बॉक्स में क्या आएगा, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, क्या मानूंगा मैं, लेट बॉक्स इक्वल टू एक्स, एक्स सपोज कर लिया है, पुट कर देता हूं मैं, एक्स माइनस 3/6 इक्वल टू 3/6। अब देखिए ये 3/6 है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 6 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6/6, तो क्या मिलेगा हमको आंसर, 1। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, और 6/6 मतलब हम यहां पर या तो 1 पुट कर दें या 6/6, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 3/6, 6 माइनस 3 3 3/6। क्लियर है? आप देखिए डी पार्ट, डी पार्ट है मेरे पास
सॉल्व, लेट बॉक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स। अब पुट करता हूं मैं एक्स प्लस 5/27 इक्वल टू 12/27। अब देखिए 12/27 है, अब ये चीज इस तरफ जाएगी इक्वल के 5/27 क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा 7/27। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, मतलब क्या आपके बॉक्स में क्या आएगा 7/27। 7 प्लस 5 क्या होता है 12/27। क्लियर है, ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ ए बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन दी बास्केट। अब क्या जावेद को जो ऑरेंजेस गिवन दिए गए थे वो कितने थे 5/7, क्लियर है। नाउ अब उसमें कितने ऑरेंजेस बचे हुए हैं बास्केट में, तो अब वो बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, गिवन क्या है हमारे पास वो लिखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस गिवन टू जावेद, जावेद को कितने मिले थे 5/7। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस, फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट इन दी बास्केट, लेफ्ट इन दी बास्केट, बास्केट में कितने बचे हुए थे। चलिए कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 5/7 क्या है 1 है, 1 माइनस 5/7। अब देखिए इसमें क्या है, नीचे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर में 1 होता है, क्लियर है। नाउ अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे हम, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करते हैं, इस 7 का इनटू हम इसके डिनोमिनेटर में करेंगे और न्यूमिनेटर में करेंगे, इस 1 का इनटू इधर करेंगे, क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 माइनस 5 1 जा 5, 7 1 जा 7। अब हो गए दोनों के डिनोमिनेटर सेम, अब हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 क्या मिलेगा हमको 2/7, क्या होगा आपका आंसर, द फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन दी बास्केट, दी फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन दी बास्केट इक्वल टू 2/7, ये आपका आंसर है, क्लियर है। सो बच्चों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.6 के साथ। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।